आसाम में एक बड़ा हादसा हुआ है जहां पर दो बच्चों की जान जाते जाते बची है और एक लड़का है एक लड़की है, दोनों भाई बहन है। और इस वक्त लोकेशन बता दो तो ये डबुआ गाजीपुर रोड पड़ता है, त्रिवेणी धर्म काटा है जहां इस वक्त हम पहुंचे हैं। एक बार जानते हैं यहां के जो लोग थे वो क्या हुआ था एक बार जानकारी देंगे कैसे क्या हुआ था। ये देख रहे हैं किस तरह से जी, दो बच्चे दोनों बहन भाई थे वो तो दोनों दुकान से सामान लेकर आ रहे थे। आप देख रहे हैं कि किस तरह से तो ट्रैक्टर ने रोड क्रॉस करने की कोशिश करी थी, उस क्रॉसिंग के कारण बच्चे दोनों ट्रैक्टर की चपेट में आ गए जी अगले टायर पे। अच्छा तो ट्रैक्टर वाला कहाँ है अभी? ट्रैक्टर वाला फरार हो गया जी, गाड़ी को छोड़ वाला फरार हो गया। अच्छा कितने बच्चे, उम्र के कितने बच्चे थे वो? लड़की की उम्र 8 साल की है जी, बच्चे की उम्र 3.5 साल की। तो बच्चे यहाँ से माँ बाप कहाँ थे? उनके माँ बाप उनके अंदर बैठे थे। बच्चा उनका मतलब माँ बाप कहाँ थे? माँ बाप यहीं पे थे जी। तो माँ बाप अभी कहाँ है? बच्चे को लेके कहाँ गए? अस्पताल लेके गए जी, वो टीके लेके गए। अच्छा क्या हालात थी बच्चों के? लड़का तो मुश्किल है, बच्चे क्योंकि उसके पेट चढ़ा हुआ है सारा कुछ बाहर आ गया उसका, तो लड़की तो चांद से बचा है उसके पैर, लड़की के पैर पे चढ़ा हुआ, लड़की के पैर पे चढ़ गया। कितने साल की? 3 साल की लड़की थी? लड़की है 6 साल की करीब और लड़का है करीब 3 साल का। अच्छा अच्छा, मतलब कहाँ बच्चे थे, कहाँ थे बच्चे? खेल रहे थे कि रोड क्रॉस कर रहे थे, क्या कर रहे थे बच्चे? यहाँ ये यही रहते हैं। महिलाओं से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर महिला भी और बच्चे यहाँ रहते, तो मतलब ये घर था। अच्छा वो बच्चे यहाँ रहते थे? हाँ यहाँ पर ही रहता है, ऊपर कंपनी के ऊपर रहता है। कंपनी के ऊपर रहते थे, किराए पर रहते थे? ना इसी में काम करता है, केवारा वाला में। अच्छा हस्बैंड वाइफ यहाँ काम करते हैं, बच्चे भी साथ में रहते? हाँ बच्चों साथ में होगा तो हो सकता है ट्रक बोला चढ़ा दिया, हमने तो अलग ड्यूटी करता हूँ। अच्छा। हमने का ना पता है, अभी हम जाना हूँ तो आया हूँ। तो हुआ क्या था, कुछ जानकारी दे पाए क्या हुआ था यहाँ पर? अब हम ना कह सकता हूँ पूरा बात, हमने तो अभी जानकारी हुआ। अच्छा ये दे सकते हैं अभी फिलहाल जो यहाँ के और जिस्मती थे उनसे भी जानते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था ट्रक। अच्छा आप लोग यही मौके पर थे जब हुआ था ये? नहीं सर मैं था नहीं। आप लोग नहीं थे? नहीं थे। एक्सीडेंट कब हुआ था ये कुछ जानकारी हो आप लोगों में? ये तो अभी पता नहीं है। अच्छा अच्छा एक बात बताइए, यहीं पर वो लोग काम करते थे बच्चे? हाँ, इनके साथ ही काम करते थे। आपके साथ काम करते थे? हाँ, काम करते थे साथ ही। तो क्या हुआ था, माँ बाप कहाँ थे, बच्चे कहाँ थे बाहर? पापा तो उनके गाँव गए हुए हैं। मम्मी गई थी ड्यूटी, ड्यूटी से आए हुए बाप जब एक्सीडेंट हुआ था तो हम सारे लोग अंदर काम ही कर रहे थे, भाग के आए थे। अच्छा तब लेके गए थे उनको बीके हॉस्पिटल। बीके हॉस्पिटल कौन सा इलाका, कौन सा पड़ता है ये पता नहीं, साक्षी धर्म काटा। अच्छा डबुआ गांव पड़ता है ये। इस वक्त देख सकते हैं डबुआ गांव पहुंचो, यहां पर एक बड़ा हादसा जो हुआ है जिसमें दो बच्चों की अभी जान जाते जाते बच्चे, मतलब एक बच्चे का बताया जाए लड़की के ऊपर ट्रैक्टर जो है वो पैरों पे चढ़ जाता है और जो लड़के उसके ऊपर चढ़ जाता है वो ट्रैक्टर, बेहद गंभीर हालात है। अभी फिलहाल बीके अस्पताल लेके गए। अच्छा वो ट्रैक्टर वाला कहां गया, भाग गया, फरार हो गया? पता मैं तभी आया हूं। अच्छा क्या पता लगा था आपको क्या हुआ? बच्चे एक्सीडेंट हो गया। अच्छा ट्रैक्टर चला गया बच्चे को? बच्चे जानकारी में थे, नाम वगैरह कुछ पता है बच्चे की? नहीं नाम पता नहीं। अच्छा ये दे सकते हो ये डबुआ गांव पड़ता है जहाँ सब पहुंचे हैं, त्रिवेणी धर्म काटा 60 टन ये जो ये शायद कंपनी बताया जा रही, इसी कंपनी में उन लोग काम करते थे दोनों के जो बच्चे थे हस्बैंड वाइफ इसी में काम करते, लेकिन हस्बैंड बताया जा रहा है गांव गए हुए थे, वाइफ यहां पर थी, बच्चे अचानक बाहर आ जाते और एक ट्रैक्टर वाला जो होता है वो यहां से निकल रहा होता और मौके पर उन पर गाड़ी जो ट्रैक्टर होती है वो चढ़ा दिया जाता है जिससे बच्चे के तो पैर पे लड़की के पैर पर चढ़ जाता है ट्रैक्टर और जो लड़का होता है उसको ऊपर से चढ़ के चला जाता है, बेहद अभी गंभीर हालत है। बीके अस्पताल एडमिट करवाया गया, पुलिस मौके पर यहाँ पर मौजूद थी और आगे के जो भी अपडेट हो गए हम आपको जरूर बताएंगे। तो तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहे सेटल न्यूज़ 100। मैं आज अमिशा सेटल न्यूज़ 100 के लिए।